अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी.com। दोस्तों मैं हूं अली गौर शाह, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर हमारी रियलमी 8 जो कि रियलमी की मेन सीरीज़ है उसकी अनबॉक्सिंग की थी। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं रियलमी 8 का कंप्लीट रिव्यू, जिसके अंदर हम आपको इन हैंड इंप्रेशन भी देंगे और साथ ही अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों उन सब चीज़ों से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी तमाम अपडेट्स पहुंचती रहें। बढ़ते हैं दोस्तों डिवाइस की तरफ। रियलमी 8 दोस्तों, सबसे पहले इन हैंड इंप्रेशन की अगर बात करें तो डिवाइस इज़ क्वाइट लाइट वेटेड, बहुत ज़्यादा हल्का वेट है इसका और बहुत ज़्यादा जो है अपना मेरे ख्याल में हैंड ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। 177 ग्राम का इसका वेट है। साथ ही दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो एक बड़ा और अच्छा डिस्प्ले देखने को मिला है, जो कि है 6.4 इंचेस का सुपर एमोल्ड डिस्प्ले। साथ ही दोस्तों पंच होल कैमरा देखने को मिला है फ्रंट पे। और अगर बैक की बात करें तो दोस्तों बैक इज़ अ सॉर्ट ऑफ ग्लास। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी जो है इसकी मेटल बॉडी है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम कलर की बात करें तो दोस्तों ये आया है दो कलर्स के अंदर, एक है साइबर सिल्वर और एक है साइबर ब्लैक। तो मतलब मेरे ख्याल में यू गो फॉर द साइबर सिल्वर, क्योंकि बड़ा यूनिक और स्पेशल सा डिज़ाइन है। डेयर टू लीव यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन है। साथ ही दोस्तों बैक पे मेन जो सबसे सामने देखने वाली चीज़ है, नज़र आने वाली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो है क्वाड कैमरा सेटअप। दोस्तों बिल्कुल ही सामने आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिला है। अगर हम कैमरास की बात करें यहाँ पे तो कैमरास का ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उन लोगों के लिए जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जो डेप सेंसर को यूज़ करना जानते हैं, जो वाइड एंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करते हैं अपनी फोटोग्राफी के अंदर। उनके लिए दोस्तों मेन कैमरा जो है इसका वो दिया गया है 64 मेगापिक्सल का AI कैमरा। साथ में 1.79 का इसके अंदर अपर्चर दिया गया है, जिसको एफ स्टॉप भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो 8 मेगापिक्सल है, और उसके अलावा दोस्तों जो इसका डेप्थ सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल है। साथ ही जो इसका एक फोर्थ कैमरा है दोस्तों, वो ब्लैक एंड वाइट कैमरा है और वो आपका 2 मेगापिक्सल है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम फ्रंट की बात करें तो दोस्तों फ्रंट का जो कैमरा है इसका मेन कैमरा वो है 16 मेगापिक्सल, तो मेरे ख्याल में आपकी सेल्फीज़ को बेहतर ज़रूर बनाएगा। इधर अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिले हैं, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है। अगर यहाँ देखा जाए तो दोस्तों यहाँ स्पीकर देखने को मिला है, यहाँ पर जो है टाइप सी पोर्ट है, और यहाँ पर दोस्तों 3.5 mm का हेडफोन जैक देखने को मिला है। इस तरफ अगर दोस्तों देखा जाए तो इस तरफ जो है ट्रिपल कार्ड सिम ट्रे दी गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अपनी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन की तरफ, और अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो सबसे पहले लोग प्रोसेसर चिपसेट के बारे में बात करना चाहते हैं। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो रियलमी 8 के अंदर दोस्तों दिया गया है मीडिया टेक का हीलियो G95 का प्रोसेसर, जिसके अंदर मेरे ख्याल में आपको कहीं भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। साथ साथ उसके अलावा दोस्तों अगर हम स्टोरेज की बात करें तो देखने को मिली है इसके अंदर आपको 8 GB रैम और साथ में 128 GB रोम, मतलब एक अच्छा जो है आपको रैम भी देखने को मिला है जो आपकी कंजम्पशन को डिवाइड करेगा इजीली। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो दोस्तों इसके अंदर देखने को मिला है एंड्रॉयड 11 जो कि इस वक्त लेटेस्ट है। साथ ही Realme का UI भी इसके अंदर अपडेटेड है, जो कि है 2.0। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों बैटरी इसके अंदर देखने को मिली है 5000 mAh की पावरफुल बैटरी। जी हाँ, इसके अंदर दोस्तों देखने को मिला है 30W का फास्ट चार्जर, जिसे डार्ट भी कहते हैं, और ये आपकी चार्जिंग को 26 मिनट में 50% ईजिली चार्ज कर देगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों अभी तक इसकी प्राइस रिवील हुई नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसकी आपको प्राइस बाद में बता सके। तो उसके अलावा इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के काफ़ी सारे अलग ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसके अंदर आप जाके अपनी जो है वीडियोस को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमें इसके अंदर देखने को मिला है 120 फ्रेम्स पर सेकंड का स्लो मोशन। तो दोस्तों ये जो आपके कैमरा के मोड्स हैं, ये आपकी वीडियो को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे, ख़ास तौर पर अगर आप स्टेबलाइजेशन चाहते हैं अपनी वीडियोज़ के अंदर, आप घूम रहे हों या मूव हो रहे हों, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है और मुझे उन एक्सपीरियंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है इसकी अच्छी लगी। ये किसी भी तरीके से कम्पीट करता है किसी भी अच्छी डिवाइस को, जैसे कि अभी आजकल की जितनी भी फ्लैगशिप डिवाइसेस आ रही हैं उनके हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ आपका दोस्त अली गौर शाह, आप देख रहे हैं पाकिस्तानी.com। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।